हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं फिरोज। हमारे पास मिक्सर का जार है, रिपेयरिंग के लिए आया है। कैसे रिपेयर करेंगे आपको ये बताएंगे और बारीक से बारीक पॉइंट समझाएंगे रिपेयरिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये एक जार आया है, इसमें ये सॉकेट लूज है। अगर ऐसा कोई जार आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप ये 100% समझ जाना कि उसका सॉकेट चेंज होना है, उसका सॉकेट ख़राब है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। एक चीज़ और देखिए, ये सॉकेट होता है, इसके ऊपर एक ये नट लगा होता है, ये जो नट आप देख रहे हो ये वाला, ये नट क्या होता है, एक बार अगर यहाँ से सॉकेट लूज़ हो गया ना तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। 99% ना आपका ये नट ऐसा नहीं है कि भैया जो इसका पाना आता है उसके पाना से आप इसे टाइट किए, उसके पाने से आप इसे दोबारा से टाइट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार लूज़ हो गया ये सॉकेट आपका तो लूज़ हो गया। बड़ा जार है, छोटा जार है, ये किसी भी कंपनी का जार क्यों ना हो, अगर इस तरीके से सॉकेट लूज़ हो गया तो सॉकेट चेंज करना होता है। सॉकेट कितने का आएगा, रिपेयरिंग के कितने रुपये लेते हैं, कौन सा सॉकेट कितने का आता है, सब कुछ बताएंगे। देखिए एक चीज़ और, देखिए जब कोई ऐसा जार आता है, मान लो ये एकदम फिक्स टाइट है, एकदम फिक्स टाइट है और यहाँ से इसके इस तरीके से ब्लेड हिल रहा है, तो आपको क्या चेक करना होता है रिपेयरिंग करने से पहले। देखो, आपको इस तरीके से जार को पकड़ना होता है और ऐसे ब्लेड को घुमाना होता है, इस तरीके से ब्लेड को घुमाओ और ये जो ये वाला नट, देखो ये जो नट है, ये वाला नट ना, इसकी नट यहाँ के ब्लेड से किनारी दिख रही है इस नट की, तो आपको ये देखना है कि ये वाला नट कहीं से क्रैक तो नहीं हो गया। क्रैक हो जाता है बहुत बार, यहाँ से ये नट यहाँ से फट जाता है, तो आपको ऐसे करके ऐसे घुमा के देखना है, ऐसे करके अगर नट कहीं से चारों तरफ देख लो नट कहीं से क्रैक नहीं है, उस टाइम पर आप समझना कि इसका बुश चेंज हो जाएगा। अगर नट क्रैक है तो पता क्या होता है, जिसे आप बम्बू पे रखोगे या इस तरीके से जार को ठोकोगे, बुश को निकालोगे ना, तभी ये नट जो क्रैक होगा यहीं से टूट जाता है और आपका सॉकेट अपने आप बाद में लूज़ हो जाएगा। फिर कस्टमर क्या बोलेगा, भाई हम तो सही सलामत लाए थे, आपने ख़राब कराया। तो पहले बोल दो भाई इसका नट क्रैक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, आपका पूरा बुश नहीं खरी, केवल बुश नहीं चेंज होगा, पूरा सॉकेट चेंज होगा। वैसे इस जार में क्या कमी है, आइए खोलते हैं। देखिए, खोलने के लिए आपको ब्लेड को किसी कपड़े से पकड़ना, इस तरीके से धार नहीं है तो हाथ से भी पकड़ सकते हो, अगर ब्लेड पर हाथ कटना नहीं चाहिए। फिर आपको कपलर, इस तरीके से कपलर चाबी से कपलर को खोलना। देखो मैंने खोल दिया, इसमें क्या कमी है और क्यों ख़राब हुआ आपको ये बताते हैं। ये देखो हमने ये कपलर खोला और इसमें देखो क्या कमी हुई थी, ये देखो इसका जो सॉकेट का सिस्टम है, ये देखो ये जो एल्युमिनियम ये आपको दिख रहा है ना, ये पता है कहाँ पर होता है, ये वाला एल्युमिनियम, ये देखो इस सॉकेट को खोल के समझाता हूँ आपको पहले, तब समझ में आएगा सही से। ये देखो ये यहाँ से निकल गया, इतना ज़्यादा चलाया इस जार को इतना ज़्यादा चलाया है, कंटिन्यू चलाते गए, लगातार चलाते गए कि ये हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा इसका गर्म हो गया और ये बाहर निकल गया। ये चीज़ जो है ना, इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि हीट होके पीवीसी ने इस एल्युमिनियम को छोड़ दिया और ये यहाँ जग में लगा रह गया और आपका ये सॉकेट फ्री हो गया। तो आपको जार को इतने लंबे टाइम तक भी नहीं चलाना है कि चलाते जाओ हीट इतना ज़्यादा गर्म हो जाए दोस्तों कि आपका सॉकेट ही पिघल जाए। मतलब यहाँ पर ये हो गया, सॉकेट पिघल गया है, इसका बुश वगैरह नहीं कटा था, अभी बुश भी सही है इसका और नट भी सही है, लेकिन कमी क्या हुई, इतना ज़्यादा चला दिया कि ये बेस ही यहाँ से निकल गया। तो अब आपको इस सिचुएशन में भी आपको इसका सॉकेट ही बदलना पड़ेगा। तो सॉकेट ब्लैक प्लास्टिक थोड़ा जल्दी दोस्तों गल जाती है, इसीलिए रेड प्लास्टिक हो या और कोई कलर हो या अच्छी क्वालिटी का या एल्युमिनियम का हो तो वो जल्दी, अगर ये एल्युमिनियम का सॉकेट होता तो ये बेस ना गलता उसके अंदर, या फिर रेड प्लास्टिक होती तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ी ज़्यादा देर तक टिकता। तो करने के लिए क्या करना होगा, अब ये खुलने वाला में से तो है नहीं, तो आपको अभी का आप सोचो कि इस तरीके से यहाँ पर पाना फंसा लें, इस तरीके से इसमें तो पाना नहीं फंसेगा, प्लास्टिक चारों तरफ से लगी हुई आपको दिख रही होगी। तो इसका सिंपल ऑप्शन होता है, इसको बम्बू के ऊपर रखो और इसके अंदर जो ये वाला नट है इसको काट दो और इसलिए ये आपका निकल जाएगा। तो ये देखो बम्बू के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे, ये है बम्बू हमारा और इसके ऊपर भैया थोड़ा सा आना। उसके बाद में ये जो चौरसी आती है वो, इसमें देखो हैंडल फिक्स है, चौरसी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अब और हथौड़ी भी आपकी हेवी क्वालिटी की होनी चाहिए तभी कटेगा। उसके बाद में आपको इसको इस तरीके से रखना होता है और इस पर जब हथौड़ा मारोगे, देखो दिखा रहा हूँ आपको ऐसे, तो ये नट कटना चाहिए। कौन सा नट, ये जो पीतल का नट है जो इस पर लगा होता है, इस नट को काटना है आपको और एक साइड पूरा ऐसे मत मानना, नहीं कटेगा, एक साइड का जरा से इतना सा काट दो बस, एक जरा सा, और तभी आपका ये सॉकेट निकल जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से काट के दिखाएंगे, हमने इस तरीके से रखा है तो हाँ दिख रहा है एकदम। और ये देखो बस हल्की सी चोट माननी है, कभी आप सोचो बहुत मेहनत लगती है इसमें, अभी देखो बस छोड़ दो ना भाई, छोड़ दो। देखो कितना सिंपल था ये और मैंने इतना आसानी से मैंने करके दिया। देखो ये नट मैंने क्या कहा था, जरा से चोट मारो टूट जाता है, ये देखो इसीलिए यार, ये देखो नट देखो कितनी आसानी, जरा सा चोट मारा और ये देखो ये नट यहाँ से क्रैक हुआ और ये निकल गया। अब आपका ये जो सॉकेट है यह ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। ये आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा किसी भी चीज़ से चोट मारोगे, ये देखो ये सब कुछ निकल गया ना, ये देखो ये निकल गया, जरा सा नट काटा था ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें नया सॉकेट हम लगाएंगे, नया सॉकेट लगाने के लिए ये रेड वाला सॉकेट ही हम लगाएंगे इसके अंदर। तो ये सॉकेट के लिए पहले आपको इसके ऊपर ये रबड़ रखनी होती है इस तरीके से
और इसके ऊपर फिर इसको ऐसे रखना होता है। कितने रुपए का सॉकेट आया ये बता रहा हूँ अभी आपको मैं। उसके बाद में आपको क्या एक ब्लैक वार्सल आता है, ये वाला ब्लैक वार्सल आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। फिर ये जो सॉकेट का रिंग आता है स्टील का रिंग, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, रख दिया। उसके बाद में ये नट आता है मेटल का, इसको इसके ऊपर टाइट कर देना है। एकदम ईजिली तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका। देखो ये टाइट करा मैंने, अब ये आपको आप चाहो तो बम्बू के इस साइड से भी इसे टाइट कर सकते हो, आप चाहो तो ये सॉकेट पाना जो आता है इससे भी टाइट कर सकते हो। तो ये देखो और फुल टाइट कर देना है, तो मैंने कर दिया फुल टाइट, इतना टाइट हो गया, घूमना नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो सॉकेट है इसमें पतला बुश ही 411 का लगा था, तो हमने 411 वाला ही बुश वाला सॉकेट लगाया है, तो इसमें हमें शाफ्ट नहीं चेंज करनी पड़ेगी। अगर बुश चेंज हो जाता सॉकेट का, बुश ये दूसरा मॉडल का लगा होता, तो हो सकता है हमें शाफ्ट भी चेंज करनी पड़ती। अब आपको लगाने से पहले देखना है, देखो ऐसे मैंने ब्लेड को पकड़ा और शाफ्ट को ऐसे हिला रही है, देखो हिल रही है ना शाफ्ट, मतलब ये शाफ्ट ब्लेड में लूज है, इस तरीके से ये हिलना नहीं चाहिए जैसे ये हिल रहा है। तो इसके लिए क्या, और शाफ्ट पे स्क्रैच वगैरह भी बहुत है, सॉकेट बदलने का कोई फायदा नहीं होगा, जार में आवाज़ रहेगी थोड़ी थोड़ी, तो हमें ये शाफ्ट भी चेंज करनी पड़ेगी। शाफ्ट का पहले हम नट खोल लेंगे, ये देखो नट खोलने की गोटी आती है, हमने इस तरीके से गोटी से नट को खोला। अब आप सोचो इसे टाइट कर दूँ, टाइट कर दोगे जो आज शाफ्ट में स्क्रैच है, तो भैया सॉकेट लगाने का कोई फायदा नहीं होता इतना। और शाफ्ट लगाने से पहले आपको इसका साइज़ नाप लेना है, ये देखो ये साइज़ सेम है, थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए, इतना बड़ा ना हो। और उसके बाद में ये देखो हमने हटाया और इसको इसके ऊपर रखा इस तरीके से, इसके ऊपर एक वार्सल आता है ये वाला, देखो शाफ्ट के ऊपर हमने ये वार्सल लगाया यहाँ पर। और अब आपको इसको ऐसे टाइट कर देना है, ये देखो इस तरीके से, अब आपको इसको नट से टाइट कर दो, ये देखो हमने इसको टाइट कर दिया, फुल टाइट करना है आपको, ये देखो। अब मैं जब शाफ्ट को पकड़ूंगा इस तरीके से, अब जब मैं ब्लेड को घुमाऊंगा, ब्लेड को पकड़ के शाफ्ट को तो नहीं घूमेगी, क्योंकि एकदम फिक्स तरीके से हमने इसे फिक्स कर दिया, टाइट कर दिया है। अब उसके बाद में आपको इसको इसमें लगाना होता है, अब नया सॉकेट है देखो, तो इसे लगाने में क्या दिक्कत होगी, जल्दी यहाँ पर निकलेगा ना, इसीलिए टफ हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। ये है रैमर हमारे पास में, और आपको यहाँ पर रखना है और इस तरीके से एक दो बार केवल इसको घुमाना है इसके अंदर, इस तरीके से एकदम सीधी रैमर घुमाना, टेढ़ी मत घुमाना, ये देखो घुमा दिया। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब लगाना, लगाने से पहले इसमें ऑयलिंग कर लेना आप। तो देखो यहाँ पर जो हमने ऊपर कोई वार्सल नहीं लगाया, तो हमने ऊपर कोई वार्सल नहीं लगाया, तो ब्लेड जो है वो स्टील से टकरा रहा है, टकरा रहा है, इसका मतलब हमें ऊपर वार्सल लगाने पड़ेंगे। तो मैं ऊपर एक दो वार्सल डाल देता हूँ, अब देखता हूँ। अब देखो ब्लेड स्टील से टकरा नहीं रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ, इतना चिपका हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो एक वार्सल मैं और लगाऊंगा इसके अंदर, एक वार्सल और लगाया, और एक स्प्रिंग भी लगानी होती है हमें, ये देखो अब ये हो गया सेट। अब इसके अंदर हमें करनी है ऑयलिंग, ऑयलिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस तरीके से इसे पीछे ले जाना है इस तरीके से, और ऑयल की किप से आपको ऑयल दो बूंद ऑयल डालना है इसके अंदर, ये देखो हमने ऑयलिंग कर दी इसके अंदर, और ये अब हमारा जार ये देखो कैसे फ्री हुआ है ना, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से फ्री हो गया। अब आपको इसके अंदर एक स्प्रिंग लगानी होती है, ये है स्प्रिंग, स्प्रिंग अच्छी क्वालिटी की, देखो इसमें जो पहले से स्प्रिंग लगी थी वो मतलब ये देखो ये स्प्रिंग है, प्रेशर तो सही है लेकिन जंग लग गया है, मतलब स्प्रिंग का प्रेशर सही है, बहुत सारी स्प्रिंग क्या होती है ना ख़राब हो जाती बहुत जल्दी, जंग लग गया है इसके अंदर, लेकिन प्रेशर अभी इसका डाउन नहीं हुआ, मतलब स्प्रिंग अभी ये भी काम कर जाएगी, लेकिन हम इसके अंदर हाई प्रेशर की न्यू स्प्रिंग लगाएंगे ये वाली। देखो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखना है, और आपको अब सिंपल इसके जो कपलर है उसको कपलर को टाइट कर देना है, ये रहा इसका कपलर, और हमारा ये जार रिपेयर हो गया। अब इसके अंदर चेंज क्या क्या हुआ है, इसका सॉकेट चेंज हुआ है और इसकी शाफ्ट चेंज, इसको टाइट कर देना है। अब इसका जो चार्ज हुआ मैं आपको बताऊं, जो हम चार्ज लेने वाले हैं इसका चार्ज लेंगे हम 100 रुपये सॉकेट के, 20 रुपये शाफ्ट के, 120 हुए हैं वैसे नॉर्मल, 120 हम बताएंगे, 100 रुपये तक कस्टमर से हम ले लेंगे। तो आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।